Hello everyone, in today's video we are going to learn on very important topic which is origin and evolution in humans. ये topic chapter evolution से है and ये chapter NEET में 3 या 4 question पूछे जाते हैं और AIIMS में भी 1 या 2 question ये chapter में से पूछे जाते हैं. अभी NCERT की जो book है उसमें आप देखोगे तो काफ़ी mix-up और complicated language में लिखा गया है topic. तो ये वीडियो में MCQ के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है वैसे वे में मैंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है. ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं कि AIIMS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर ऑफ ह्यूमन रिवॉल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज. तो अभी 4 ऑप्शंस है उसके. NCERT की जो बुक है इसमें कुछ इस पैटर्न में दिए हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का जो ऑर्डर है वो, कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस हुए थे, उसके बाद रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो नियंडरथल एंड लास्टली अभी के जो है वो है मॉडर्न होमो सेपियंस. ओके, तो अभी ये पैटर्न याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है डॉक्टर राम इन ऑस्ट्रेलिया हैव रिसर्च इवोल्यूशन ऑन न्यू होमो सेपियंस. ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन वर्ड आ जाएगा जिसे यू कैन रिमेम्बर कि ये जो ट्रिक है वो पर्टिकुलरली ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए है. डॉक्टर से हो जाएगा ड्रायोपिथेकस, राम से हो जाएगा रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हैव से होगा होमो हैबिलिस, ई से हो जाएगा इरेक्टस, न्यू से हो जाएगा नियंडरथल एंड होमो सेपियंस से इट्सेल्फ होमो सेपियंस. ओके, अभी वापस MCQ देखते हैं वो वाला. तो एज वी नो सबसे पहले है ड्रायोपिथेकस, तो ये 4 ऑप्शन में से ड्रायोपिथेकस कहीं भी नहीं है. तो दूसरा वाला आएगा वो है रामापिथेकस. तो सबसे पहले क्या रामापिथेकस ये MCQ में सेट हो गए. अभी देख सकते हैं आप ए एंड डी में सबसे पहला है रामापिथेकस, तो बी एंड सी ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं. उसके बाद आए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, तो रामापिथेकस फर्स्ट देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी विच इज़ रामापिथेकस देन ऑस्ट्रेलियो देन होमो हैबिलिस एंड देन होमो इरेक्टस. ओके, सो ये ट्रिक की मदद से यू कैन इजीली रिमेंबर दिस वॉल पैटर्न. नाउ अनदर वन विच इज़ ये जो टॉपिक है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं अलग अलग इवोल्यूटेड ह्यूमंस के, जो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो पहले देखिए ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे, दे आर वॉक लाइक गोरिलास एंड चिंपांजी. पर जो ड्रायोपिथेकस थे वो अपीरियंस में एप जैसे ज़्यादा थे एंड रामापिथेकस थे वो मैन जैसे अपीरियंस में ज़्यादा थे. उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आर हंटेड विथ स्टोन वेपन बट ईट फ्रूट्स. क्या कि वो हंट तो करते थे एनिमल का पर खाने के लिए सिर्फ फ्रूट का ही इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स का नहीं. और वो देखे गए अफ्रीकन ग्रासलैंड में. अनदर वन होमो हैबिलिस, दे आर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर एंड दे ऑल्सो ईट फ्रूट. उसके बाद होमो इरेक्ट्स, देयर फॉसिल्स आर फाउंड इन जावा इन 1891. ओके, और दे आर द फर्स्ट ह्यूमन विच ईट मीट. ओके, यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले ह्यूमन कौन से थे जो मीट खाते थे, वो थे होमो इरेक्टस. उसके बाद होमो नियंडरथल, दे यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड. ओके, और वो देखे गए सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में. उसके बाद आए मॉडर्न होमो सेपियंस एंड दे आर फर्स्ट सीन इन अफ्रीका एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, यहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएट होती है चीज़ें वो खास याद रखनी है. जैसे होमो नियंडरथल सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में देखे गए सबसे पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर होमो हैबिलिस थे, उसके बाद सबसे पहले मीट खाते थे वो थे होमो इरेक्टस, लाइक दिस. ओके, नाउ सी दूसरी एक चीज़ भी NCERT में एडेड है, वो है कि हाउ मच टाइम बिफोर दिस वॉल ह्यूमन दिस वॉल इवोल्यूटेड ह्यूमन आर सपोज टू बी सीन. ओके,
तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे, दे आर सपोज टू बी प्रेजेंट बिफोर 15 मिलियंस ईयर अगो. ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आर 2 मिलियन ईयर्स, होमो हैबिलिस 2 to 1.5 मिलियन, होमो इरेक्टस 1.5, देन होमो नियंडरथल दे आर 1 lakh to 40,000 ईयर्स अगो. होमो सेपियंस आर 75 to 10,000 ईयर अगो. उसके बाद ये दोनों चीज़ भी एडेड है एनसीईआरटी में, वो है कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट था वो 1800 साल पुराना है एंड एग्रीकल्चर है वो 1000 साल पुराना है. ओके अभी देखिए इसमें से आंसर, सॉरी इसमें से क्वेश्चन जो कि एम्स 2012 में पूछा गया है, ह्यूमन हु लिव्ड 1 lakh to 40,000 ईयर अगो. ओके तो फर्स्ट लाइन से ही यू कैन जज कि ये जो ह्यूमन है वो हो गए नियंडरथल ह्यूमन. ओके तो इससे भी आप इजीली, बाकी सारी चीज़ें हैं पर वो कंफ्यूज करने के लिए दी है आपको और वो एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूडेड भी नहीं है, पर अभी यहाँ पे 1 lakh to 40,000 ईयर दिया है उससे यू कैन इजीली गेस कि देर मस्ट बी नियंडरथल ह्यूमन्स. ओके नाउ अनदर वन विच इज़ ब्रेन कैपेसिटी और कार्नियल कैपेसिटी. काफ़ी बार कार्नियल कैपेसिटी भी लिखा होता है, दैट कैन बी मेजर इन क्यूबिक सेंटीमीटर की, उसका यूनिट क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर. अभी देखिए होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800, होमो इरेक्टस 900, होमो नियंडरथल 1400 एंड होमो सेपियंस का था 1350. ओके सबसे ज़्यादा था नियंडरथल एंड सबसे लोएस्ट था होमो हैबिलिस का. इसी तरह का एक क्वेश्चन था एम्स 2050 में कि विच ह्यूमंस हैव स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, तो क्या आएगा होमो हैबिलिस. ओके क्या होमो हैबिलिस ऑप्शन डी, दे हैव द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इज होमो नियंडरथल. लास्ट चीज़ जो कि फिगर में दी हुई है ये टॉपिक में, तो काफ़ी बार क्या होता है कि ये कोई फिगर में से कोई एक फिगर दे देंगे और पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ का फिगर है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कल है. फर्स्ट वन है वो एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन का स्कल है, सेकंड वन है वो बेबी चिंपांजी का है एंड थर्ड वन है वो एडल्ट चिंपांजी का है. दूसरी एक चीज़ फिगर के डिस्क्रिप्शन में दी है कि बेबी चिंपांजी स्कल इज़ मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन. क्या कि बेबी चिंपांजी का जो स्कल होता है वो एडल्ट ह्यूमन से ज़्यादा मिलता है एडल्ट चिंपांजी के कंपेयर में. ओके तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.